समर्थन कर रहे हैं। अरे हम लोग मोदी जी को जितनी बार चुनाव लड़ेंगे उतनी बार समर्थन करेंगे। जितनी बार हमारे परम आदरणीय मोदी जी चुनाव लड़े मैं उनसे कामना करूंगा कि बनारस से लड़े। जितना उन्होंने काम कर दिया आजादी के बाद से किसी ने बनारस के लिए नहीं किया। अरे भाई हम प्रधानमंत्री से क्यों नहीं खुश रहेंगे, मुख्यमंत्री से क्यों नहीं खुश रहेंगे? वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री है, हम योगी जी मुख्यमंत्री है और जो विश्व के नाम बढ़ा रहे हैं। जब जब वो आएंगे एमपी के लिए और जब जब आएंगे जो है तो दर्शन करने के लिए, हम काशीवासी उनका स्वागत करते हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचे तो उनकी एक झलक पाने के लिए हर कोई बेताब दिखा, क्या बच्चे और क्या जवान। नरेंद्र मोदी के चेहरे को मानो हर कोई बस एक बार अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहता था। अपने वाराणसी दौरे के दौरान पीएम काशी विश्वनाथ मंदिर भी गए, जहां उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन और पूजन किए। इस दौरान भी मंदिर में लोग पीएम मोदी की बस एक झलक पाना चाहते थे, वहां भी अच्छी खासी तादाद में लोगों की भीड़ नजर आई। लेकिन इसी बीच जो एक और तस्वीर सबके सामने आई वो हैरान करने वाली थी। दरअसल ये तस्वीर देखिए, जिसमें मुस्लिम समाज के लोग पीएम मोदी का स्वागत करते नजर आ रहे हैं। हाथ में कटआउट, दूसरे हाथ में गुलाब के फूल और जबान पर पीएम मोदी का नाम। जिस किसी ने ये तस्वीर पहली बार देखी वो हैरान रह गया। दरअसल दाल मंडी मुस्लिम बहुल इलाके के मुस्लिम समाज के लोग सड़कों पर पीएम मोदी के इस्तकबाल के लिए पहुंचे। इस दौरान मुस्लिम समाज के लोगों ने पीएम मोदी पर फूलों की बारिश की। इतना ही नहीं, पीएम मोदी के इस्तकबाल के लिए शहनाई सम्राट भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्ला खान के पोते भी शहनाई पर फाल्गुनी धुन बजा रहे थे, जिसे सुनकर हर कोई मुग्ध था। वहीं मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा कि जितनी बार पीएम मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे हर बार हम उन्हें सपोर्ट करेंगे। जितनी बार हमारे परम आदरणीय मोदी जी चुनाव लड़े मैं उनसे कामना करूंगा कि बनारस से लड़े। जितना उन्होंने काम कर दिया आजादी के बाद से किसी ने बनारस के लिए नहीं किया। क्या भूमिका में थे अंदर? हम लोग नमाज पढ़ के मस्जिद में रहे, प्रोटोकॉल का आर्डर हुआ, हम लोग अंदर थे। बहुत बड़ी फख्र की बात थी कि हम लोग मोदी जी को बहुत करीब से देखे। हाँ, हाथ हिलाया, हम लोग साथ में थे और बहुत अच्छा लगा। बहुत करीब से हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी देखा, इतने करीब से हम लोग कभी नहीं देखे थे। तीसरी बार फिर समर्थन कर रहे हैं? अरे हम लोग मोदी जी को जितनी बार चुनाव लड़ेंगे उतनी बार समर्थन करेंगे। ज्ञानवापी के एक मामले में आप एक पक्षकार भी हैं। देखिए, हम अगर पक्षकार हैं तो वो मुकदमे का पर्पज है, उसमें प्रधानमंत्री से क्या मामला है? आप उसको क्यों जोड़ रहे हैं? गलत बात मत करिए। प्रधानमंत्री से खुश हैं? अरे भाई हम प्रधानमंत्री से क्यों नहीं खुश रहेंगे, मुख्यमंत्री से क्यों नहीं खुश रहेंगे? वो वहीं एक और मुस्लिम समाज के शख्स ने कहा कि पीएम मोदी जब जब वाराणसी आएंगे तब तब उनका ऐसे ही स्वागत किया जाएगा और जब जब वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे हम पीएम मोदी के समर्थक रहेंगे। देखा आप लोगों ने? हम लोगों ने देखा, हमारे सांसद जी आए, प्रधानमंत्री जी, और उन्होंने हाथ हिलाया, हम लोगों ने भी हाथ हिलाया। अभिवादन किया आप लोगों ने? हाँ बिल्कुल अभिवादन किया। जब जब वो आएंगे तब तक अभिवादन है और जब जब वो यहाँ से लड़ेंगे तब तक हम उनके सपोर्ट। कौन सी मस्जिद में आप लोग अंदर थे जिसमें नमाज? ज्ञान बापिस मस्जिद में। अच्छा, तो यहाँ तरह से आप लोग का अभिवादन उन्होंने स्वीकार किया? उन्होंने हाथ हिलाकर स्वीकार किया, हम लोगों ने भी हाथ हिलाकर उनको जो है तो यहाँ के संसद को। अंदर क्या देखा? अंदर थोड़ा हम लोग मंदिर में नहीं गए, हम लोग मस्जिद में रहते, मस्जिद से नमाज पढ़ के निकले तो वह मौजूद थे। अब देखना होगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी का मुस्लिम समाज कितना समर्थन करता है, क्योंकि इससे पहले हुए दो लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी को वाराणसी के मुस्लिम समाज के लोगों ने खूब समर्थन दिया था।
बता दें कि एक बार फिर से बीजेपी ने पीएम मोदी को वाराणसी से उम्मीदवार बनाया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए वाराणसी से विपिन मिश्रा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।